नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोंदिया तालुका के कई किसानों को आज तक उनके रबी सीजन का पैसा नहीं मिला है। इस संबंध में कई बार जिला विपणन पदाधिकारी से संपर्क करने के बाद किसानों को पता चला कि श्रीराम अभिनव सहकारी संस्था लिमिटेड चुटिया तालुका गोंदिया संस्था को किसानों से रबी सीजन का धान प्राप्त हुआ, लेकिन किसानों से खरीदा गया धान सरकारी गोदाम में जमा नहीं होने के कारण संस्था के खरीदे गए किसानों को भुगतान नहीं करने का आदेश शासन से प्राप्त हुआ है। इसलिए जिला विपणन अधिकारियों ने इन सभी लोगों का भुगतान बकाया रखा है। इस मामले में किसान कई बार जिले के अधिकारियों से मिलते रहे। कुछ दिन पहले एक किसान ने आत्मदाह का प्रयास भी किया, लेकिन जिला प्रशासन ने समय बर्बाद किया तो नाराज किसानों ने एकजुट होकर कार्यालय में जोरदार विरोध जताया। जिले के अधिकारियों की सभी किसान आज कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे, लेकिन जिले के अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब किसान एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हुए तो जिले के प्रमुख अधिकारियों ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ के प्रबंध निदेशक से संपर्क किया। लिमिटेड मुंबई श्री सुधीर तेलंग, महाराष्ट्र राज्य खरीद विभाग के मुख्य प्रबंधक अतुल नेरकर, और यह महसूस करते हुए कि कानून व्यवस्था की समस्या होगी, गोंदिया जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगरे से फोन पर संपर्क किया गया और तीनों की बात कराई गई। प्रदेश कांग्रेस सचिव अमर वराड़े को इसके बाद जिला पदाधिकारी ने श्रीराम अभिनव सहकारी संस्था लिमिटेड चुटिया तालुका गोंदिया में रबी सीजन का धान बेचने वाले सभी किसानों को लिखित आश्वासन दिया। अभी देखो, अभी आज का सीजन में आप किसी किसान भाई ने कहा भाई हमको हमारा धान दे दो, बाढ़ भाव बाज भाव इस रूप है, घटना की हमला की ज़्यादा मुनाफा तो कमा सकते। अभी जो हमारे इसे धान जिले में कोई भी व्यापारी अपने को MSP जो रहती है 20-40 रुपये से ज़्यादा कोई खरीदी करते हैं नहीं करते, तो हम लोग शासन की वजह से अपर्ड हो जाते हैं किसान भाइयों को, उनका जो केंद्र शासन ने जो MSP दिया है उसके मुताबिक उनको लाभ दिया जाए, तो 2040 रुपये से आप खरीदी करते हैं, कोई बाहर तो व्यापारी तो उससे ज़्यादा रुपया नहीं देता किसान भाइयों को। अनेकांच्या कर्ला जिल्हे आहेत, या सगळ्या प्रकारामध्ये लाखो करोडोचा घोटाळा या संस्थेने करून ठेवलेला आहे असं DMO सांगत होते, परंतु त्या संस्थेवर आजपर्यंत कुठली कारवाई झालेली नाहीये। बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। गोंदिया नगर परिषद हमेशा विभिन्न कारणों से चर्चा में रहती है। वर्तमान में गोंदिया नगर परिषद का संपत्ति कर और शिक्षा विभाग और बाजार विभाग का भवन चर्चा का विषय बना हुआ है। यह भवन काफी जर्जर हो चुका है और इस भवन में कर्मचारी 2400 घंटे अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के साथ साथ कार्यालय आने वाले नागरिक भी जान हथेली पर रखकर इस विभाग में काम करने जा रहे हैं, लेकिन यह देखना अहम होगा कि प्रशासन कब नई बिल्डिंग बनवाता है या उन्हें दूसरी जगह देता है। गोंदिया नगर परिषद की स्थापना 1928 में हुई थी और गोंदिया नगर परिषद का संपत्ति कर शिक्षा विभाग बाजार विभाग इसी भवन में है और आज इसी भवन को 95 वर्ष पूरे हो गए हैं। हालांकि इमारत को गिराया नहीं गया है, लेकिन इसमें काम करने वाले मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं, क्योंकि इमारत का कभी भी गिरने का खतरा है। साथ ही कई नागरिक भी अपने काम के सिलसिले में यहां आते हैं और उनकी जान को भी खतरा रहता है। एक तरफ शासन प्रशासन जर्जर इमारतों को तोड़ने के निर्देश दे रहा है, लेकिन अब नागरिक सोच रहे हैं कि क्या गोंदिया नगर परिषद 95 साल पुरानी इमारतों को भूल गई है। बरसाती टाइम भी टैक्स भरना पड़ रहा है क्योंकि बिल्डिंग का भी सिर्फ पानी गिर रहा है पूरा, यहाँ खड़े रहने के लिए भी कुछ अच्छा से नहीं हो रहा है, बैठने के लिए भी नहीं है, तो जैसे छतरी खोल के बाहर से अंदर आना है वैसे यहाँ छतरी खोल के खड़े रहना है। इमारत खराब हुई पड़ी है, सारा स्टाफ इधर बैठा हुआ है, कुछ साधन भी नहीं बैठने के लायक में यहाँ पर, तो और प्रशासन तो कम से कम इसका ध्यान रखे, कभी बिल्डिंग तैयार बनानी करनी चाहिए इन्होंने। दस्तावेज भी पूरे खराब हो गए, हमारी टैक्स के पूरी पाती वो पूरी गीली पड़ी हुई है। या बाबती में आम्ही जी बिल्डिंग है इसे पानी भरपूर पडत होता तेव्हा आम्ही सिंचनाला कळवले की आमचे रिकॉर्ड खराब होत आहे, तिथे टेबल बसण्याची म्हणजे अवस्था होत आहे, त्यासाठी म्हणजे रिपेरिंग साठी आम्ही अर्ज केला होता। तर आता त्या आमच्या ऍप्लिकेशनवर साहेबांनी म्हणजे कारवाई करून म्हणजे खाली मटेरियल वगैरे किंवा वरती काम सुरू आहे, पाहू शकते लवकरात लवकर म्हणजे बिल्डिंग म्हणजे रिपेरिंग झाला पाहिजे, एवढीच म्हणजे
प्रशासनाला म्हणजे विनंती आहे. सर डर लगता है ना, देखिए ना आप खुद देखिए, कोई आता है हमारे, मेरे तो सर के ही ऊपर है एकदम. अभी बीच में 22 के पहले 3 दिन बारिश आई थी, तब भी हम लोग यहीं बैठे थे. क्या करेंगे, हम लोग को कोई बैठने का साधन ही नहीं. उस दिन तो हम लोग ने हड़ताल भी किए थे एक दिन की. सीओ साहब को भी लिख के दिए एप्लीकेशन कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था करिए करके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक. भी धोखा हो सकता है, ये देखिए ना, ड्यूटी तो करना ही है हमको, क्या करेंगे. ड्यूटी में क्या मांग रहे प्रशासन से, वही मांग रहे कि हमारे पास बिल्डिंग दे अच्छी, और क्या मांगेंगे. ये ऐसे बेचारे आते तो यहाँ तो बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं है. इस समय मानसून चल रहा है और कर्मचारियों को चिंता है कि बिल्डिंग में पानी गिरने से कई महत्वपूर्ण फाइलें खराब हो जाएगी. इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज खराब हो जाएंगे. जिस स्थान पर पानी गिर रहा है वहां पर कूलर का ऊपरी हिस्सा लगा दिया गया है. इस संबंध में प्राचार्य को भी बयान दिया गया है. हालांकि प्रशासन इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेता है. क्या कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने पर प्रशासन जागेगा, ऐसा सवाल अब कर्मचारियों और नागरिकों के सामने है. मिशन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट. आज के बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का. ताजा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज. नमस्कार.